50 मिनट यहाँ से स्टार्ट होती हुई माँ रोहिणी की ओर से, और पहली गेंद यहाँ पर स्लोवर वन और एक रन चुराया आसानी के साथ था, और अपनी टीम का और खुद का खाता खोलते हुए यशवीर। फिर से एक बार हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी मौजूद लेकिन और पहुंच नहीं पाएंगे गेंद तक शायद। जी हाँ, दौड़ लगा दर 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 चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। काफी बेहतरीन वहां पर ड्राइव लगाते हुए चौका प्राप्त जरूर किया सूरज भाई ने। फिर से एक बार उसी दिशा में गेंद और जसू बन्ना के हाथ से आप सिंगल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता है खुद सूरज भाई को भी, क्योंकि जान जोखिम में डाल के सिंगल लेना होता है अगर उनके सामने से सिंगल लेना। बेहतरीन फील्डर जसू बन्ना, फिर से एक बार करने की कोशिश, वहां खिलाड़ी मौजूद लेकिन क्या इस बार सिंगल? जी हाँ, इस बार सिंगल आसानी से मिल जाएगा बल्लेबाज को। चार गेंद के बाद अब स्कोर पहुंच चुका है 6 रनों के साथ। बेहतरीन शुरुआत स्वीट 11 की ओर से, चाहेंगे कि पावर प्ले का कम से कम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। ये देखिए यहाँ पर कट लगाए फिर से एक बार और सिंगल के साथ बेहतरीन गेंदबाजी। अगर गेंदबाज को अगर कहा जाए तो अगर सिंगल डबल आता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पावर प्ले के अंदर अगर सिंगल डबल आते हैं तो गेंदबाज थोड़ा सा खुश महसूस करता है, क्योंकि फील्ड में सिर्फ आप 2 खिलाड़ी बाहर आ सकते हैं, और लेकिन गेंदबाजी भी बेहतरीन रहा फील्ड के मुताबिक। फिर से एक बार सूरज भाई ने वहां पर कवर्स के ऊपर से खेल की कोशिश, और राकेश भाई वहां पर बेस्ट फील्डर वहां पर खड़े हैं, लेकिन इस बार रोक नहीं पाएंगे। चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। जी हाँ, क्योंकि दौड़ लगाने कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि धूप है ना तो कभी कभी थकान महसूस करते हैं, दौड़ नहीं पाते, मसल्स थोड़े से पकड़ जाते हैं और डिहाइड्रेट रहते हैं कभी कभी बॉडी, तो दौड़ लगाने की थोड़ी सी मुश्किल रहती है, क्योंकि काफ़ी गर्मी है। और जमीला ग्रुप का शायद वहाँ पे फ्लैग लगाते हुए पूरे थाली के कुछ खिलाड़ी, और एकदम खराब गेंद और इसकी दिशा दिखाई बल्लेबाज ने, चौके के रूप में चौका प्राप्त किया। दर 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 दर। वहाँ पे बोल रहा था शायद कि 3 साल पहले से ये आना चाहते थे आरसीएल के अंदर, लेकिन 2 साल उनको ट्राई किया लेकिन आ नहीं पाए, लेकिन इस बार जब आप आए हो ना तो देखिए बहुत सारी टीम आपको कॉल करेगी इस आरसीएल ख़त्म होने दो। एक भाई साहब वहीं सामने बैठे हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आरसीएल के लिए, वो आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में आपको लेकर जा सकते हैं, ऐसे हमारे भाई साहब है।
ओहो, फिर से एक बार दिशा से भटकते हुए गेंदबाज और वाइड के रूप में यहाँ पर एक अतिरिक्त रन पर आता हुआ स्वीट के खाते में। और जमेला ग्रुप से निवेदन है, जितने भी जमेला ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सभी इस बलून के नीचे आ जाए, वहाँ पर बलून को नीचे करना है और जमेला ग्रुप का एक बैनर छपाया गया है वो उनके ऊपर लगाना है। तो जितने भी जमेला ग्रुप के जमेलास हैं वो सभी वहाँ पर आ जाए बलून के पास। अभी तक काफ़ी बेहतरीन शुरुआत स्वीट इलेवन की। ओहो, क्या गेंद थी, यहाँ पर कट करना चाहते थे फिर से एक बार, लेकिन अब गेंदबाज की हाइट अपने फायदा करती हुई। और प्रहलाद की मैं जब बात कर रहा था कि प्रहलाद जी 2 साल से पहले से भी ट्राई कर रहे थे आरसीएल के अंदर आने के लिए, लेकिन इस साल जब आए हैं ना तो सबकी निगाहें उनके ऊपर कर दी, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि आरसीएल सिर्फ खेला जाता है, सूरत के अंदर बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी इस प्लेयर को अब नज़र रखी जाएगी। और फिर से काफ़ी बेहतरीन वहाँ पर जस्सू बन्ना, देखिए काफ़ी बेहतरीन फील्डिंग करते जस्सू बन्ना, अपनी टीम के लिए जितने रन बनते उतने रन वहाँ पर रोकते हैं जस्सू बन्ना। ऑफिस एक बार हवा में गेंद और कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है और क्या रोक पाएंगे, और काफी बेहतरीन वहां पर फील जरूर किया है, बेहतरीन फील्डिंग कम से कम टीम के लिए 2 रन बचाते हुए। राकेश जी वहां पर रुक चुके थे, अगर राकेश जी भी दौड़ते तो रोक पाते उस गेंद को, लेकिन थोड़ा सा रुक गए कि बॉल कितना दूर है अंदाजा नहीं लग पाया। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बचा 21 रन बिना किसी नुकसान के साथ, काफ़ी बेहतरीन शुरुआत स्वीट इलेवन के लिए। 21 रन बना चुकी है अपनी जोड़ी है दोनों बल्लेबाज, ज़्यादा कुछ जोखिम वाले शॉट नहीं खेले, लेकिन सिंगल डबल और जहाँ जहाँ जरूरत पड़े शॉट खेले हैं। और देखिए वाइड का इशारा और एक्स्ट्रा रन भी आते जाते हैं, तो ज़्यादा जोखिम भरा कोई शॉट भी नहीं है और गेंदबाजी भी इतनी ख़राब भी नहीं हुई है, अच्छी गेंदबाजी हुई है, लेकिन सिंगल डबल जो बनाए इन्होंने और जहां मौका मिला है हाथ खोलने का या फिर गैप में धकेलने का गेंद को, वहां वहां उन्होंने धकेला है गेंद को और रन बनाए अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार गेंद, ओहो ये फिर से एक बार वाइड का इशारा अंपायर का, और थोड़ा सा जोखिम भरा शॉट खेलने की कोशिश थी वहाँ पर यशवीर की, बैट घुमाना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं और वाइड का इशारा। और जमेला ग्रुप अगर यहाँ पर पूरे ग्राउंड में अवेलेबल है तो बलून के नीचे चले जाइए, वहाँ पे महेंद्र जी हमारे जमेला ग्रुप के अध्यक्ष राह देख रहे हैं आपकी। और फिर से वही यहाँ पर रश्मि ट्राई कर रहे हैं झाड़ू लगाने की कि बॉल थोड़ा सा घसे टू, लेकिन गेंदबाज चालाक, इनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी हाइट 6.2 की हाइट है और बेहतरीन गेंदबाज। ओहो फिर से एक बार वही शॉट खेलने की कोशिश, बार बार वही कोशिश कर रहे हैं शॉट खेलने की, लेकिन गेंदबाज चालाक चतुर चालाकी दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी के साथ। बार बार एक ही काम कर रहे हैं और गेंदबाज भी बहुत चालाक है क्योंकि ये काफ़ी अनुभवी गेंदबाज है, अगर आप उनको पहले से ही एक साइन दे देते हैं तो वो गेंदबाज अपना काम अच्छा करते हुए उनके लिए एकदम आसान हो जाता है काम। वह काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज है, फिर से एक बार वही गेंद वही शॉट खेलना चाहते हैं बार बार बैट्समैन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो एक ईगो हो जाता है कि बैट्समैन बोलता है ये शॉट मारना ही मारना है, लेकिन नहीं लगता है तो आपको छोड़ना पड़ता है, आप सिंगल लेके सूरज भाई को स्ट्राइक पे ला सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर गेंद पे आप वही शॉट खेले। फिर से वही गेंद और वही शॉट, लगता है 5-6 बार मैंने वही रिप्ले देखा ऐसा लग रहा है यहाँ से तो सभी दर्शकों को और यूट्यूब पे देखने वाले सभी को भी।
और गेंदबाज की दाद देनी पड़ेगी, जो उनको पता है कि ये बार बार वही शॉट खेल रहे हैं और वही शॉट खेलते जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसान है इस काम करना। काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार थोड़ी सी उछली हुई गेंद और वही दिशा में शॉट खेला, चौका प्राप्त जरूर किया, लेकिन पांच गेंदें उन्होंने अपनी टीम के लिए डॉट निकाली। जो पावर प्ले का फ़ायदा उठाना चाहिए था पांच गेंदों में, वो थोड़ा सा मिस कर दिया। तीन ओवर के बाद स्कोर पहुँचाए 27 रन बिना किसी नुकसान पर स्वीट 11। तीन ओवर 27 रन, ओह काफी बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के पास गेंदबाजी, और सागर वहां पे छोटे बच्चे के साथ था प्रैक्टिस करते हुए, उनको भी अपनी तरह गेंदबाज बनाना चाहते हैं सागर। जी हाँ, सागर वहां पर गेंदबाजी करते हुए, सुबह उन्होंने कमेंट्री का भार संभाला मेरी ओर से, काफी धन्यवाद सागर भाई का जिन्होंने मेरी ओर से थोड़ा सा कमेंट्री संभाला। और इसी बीच में चौका प्राप्त किया बल्लेबाज ने सूरज भाई, जी हाँ सागर भाई ने सुबह जो चार रन लिए थे, मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि चार रन जो दौड़े उन्होंने रोसी के साथ में, काफी बेहतरीन। और काफी बेहतरीन शॉट एक बार फिर से राकेश नीचे, लेकिन कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन सूरज भाई ने अपना काम खत्म किया क्योंकि पावर प्ले के खिलाड़ी है और उनका काम ही है कि पावर प्ले जितने ज्यादा रन बने और बनाए, और इसके साथ विकेट का पतन होता हुआ पहला विकेट स्वीट के लिए। सरपंच तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। जी हाँ, नए बल्लेबाज आ गए जिम्मेदारी उठाने के लिए। बल्लेबाज का नाम है कुलदीप भाई। जी हाँ, कुलदीप भाई है तो बल्ला थोड़ा ऊपर करें। जी अब जिम्मेदारी कुलदीप भाई लेने आ चुके हैं, सरपंच तो गए हैं। काफ़ी बेहतरीन विकेट छटका यहाँ पर अपनी टीम के लिए, ब्रेक थ्रू दिलवाया भरत ने, यही उम्मीद है टीम की कि ये विकेट छटकाए अपनी टीम के लिए। और फिर से एक बार काफ़ी बेहतरीन, और काफ़ी बेहतरीन फील्डिंग, दाद देनी पड़ी इस फील्डिंग की, काफ़ी बेहतरीन, कम से कम तीन रन रोके अपनी टीम के लिए। ये इक्का दुक्का जो रन रोकते हैं ना अभी जैसम, कम से कम इन्होंने काफ़ी रन रोके हैं, एक बीच में भी एक दो रन रोके थे, यहाँ पर तीन रन बचाने टीम के लिए, कम से कम पाँच रन रोक लिए इन्होंने इस बीच में, ये बेहतरीन प्रदर्शन। और झमेला ग्रुप का बलून नीचे आता हुआ, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर यॉर्कलिन गेंदबाजी, और सिंगल से नहीं रोक पाएंगे, यहाँ पे सिंगल डबल पर भी दबाव बनाना पड़ेगा आसानी से, लिहाज में सिंगल चुरा लिया है, नए बल्लेबाज आए हैं, स्ट्राइक रोटेट होती हुई, फिर से बेहतरीन गेंदबाजी की दाद देना पड़ेगा क्योंकि अच्छी लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, और अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन। ओ इस बार घुटना टेका और अच्छे रन प्राप्त किए, सिक्स।
चार ओवर के बाद स्कोर पहुंचाए 39 रन एक विकेट के नुकसान पर। चार ओवर 39 रन एक विकेट के नुकसान के साथ स्पीड 11 अब यहां पर पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब यहां पर सोचेंगे कि कितना रन बनाना चाहिए, कितना सोच है उनके दिमाग में, कितने का टारगेट दिया है रतन जी भाई साहब या दिनेश भाई साहब ने कि इतना रन बनाना चाहिए टीम को अपने। जी हाँ, पानी के लिए सिर्फ 6 ओवर के बाद रखे अंपायर, 6-6 ओवर का जब गैप रहता है तभी 2 मिनट का ब्रेक रखे। अगर कोई पानी के लेके अंदर आ जाता है तो 6 ओवर के बाद ही बुलाए, टीम भी वो ध्यान रखे क्योंकि अपने पास टाइम से चलना है अपने को। वैसे अगर बात करें तो 16 मिनट हो चुकी है और 4 ओवर ख़त्म कर चुके हैं, ऐसे तो टाइम टू टाइम गेंदबाजी हो रही है लेकिन अपने टाइम के मुताबिक काम करें तो बेहतरीन रहता है। टूर्नामेंट की एक रौनक रहती है, कुछ रूल्स के हिसाब से काम होता है ना तो मज़ा आता है देखने वाले और सबको भी। फिर से एक बार उठाने की कोशिश, सीधा खेला है बाउंड्री की तरफ और भी 6 रन और दर्शक ने भी वहां पर 6। विषय पर हवा में गेंद और बेहतरीन कैच का बड़े झमेलास और अब बल्लेबाजी के लिए महेंद्र भाई आ चुके हैं अपनी टीम की कमान संभालने के लिए। महेंद्र जी भाई साहब भी अच्छे बैट्समैन हैं और पावर प्ले में भी फायदा बड़ा उठाते हैं। अगर महेंद्र भाई पावर प्ले में भी आते हैं तब अच्छा फायदा उठाते हैं अपनी टीम के लिए। फिर एक बार महेंद्र भाई आज वही काम करेंगे अपनी टीम के लिए। और काफ़ी बढ़िया देखे, सीधा आते ही स्ट्रेट डाइव वाला शॉट खेला है, मतलब डेली प्रैक्टिस करते हैं उसका ये नतीजा रहता है कि आपके पास बल्ला रहता है तो बल्ले की जो प्रैक्टिस रहती है आपके पास सेट होने के लिए कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये टूर्नामेंट ही ऐसा होते हैं, सेट होना जैसा कुछ होता नहीं है। और झमेला के ऊपर कैमरा भी लगा है, सागर भाई वहाँ पर मौजूद और काफ़ी बेहतरीन कट वहाँ पर, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद, क्या 2 रन ले पाएंगे? जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग जरूर है लेकिन 2 रन को तो नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर फील्डर और कैमरामैन। वहाँ पर कुछ झमेला वाले के बलून दिखा रहे थे अभी बीच में, मुझे दिखा यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर सागर भाई, मेंसा भाई, सब झमेला वाले वासी वहाँ पे झमेला का एक बैनर लगा रहे हैं लकी बन्ना। फिर से एक बार बेहतरीन ड्राइव खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद जरूर है लेकिन 1 रन सिर्फ यहां पर मिलेगा बल्लेबाज को। इसके साथ 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचाए 50 रन 2 विकेट के नुकसान के साथ स्वीट 11।
ओह काफी बेहतरीन शॉट जरूर लगाए लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद और जी हाँ अगर बैट्समैन आकाश है तो हाथ ऊपर करें। जी हाँ और इसके साथ था बड़ी मछली जाल में आ चुकी है महेंद्र भाई साहब का विकेट। कन्हैया थोड़ा सा लेट स्टार्ट होने के वजह से फिर से एक बार यहां पर कैच का मौका दिया है कीपर वहां पर दौड़ चुके। ओहो ये तो नसीब लेकर आए आज जैसे कल सुमेर सिंह नाडोल को चार मौके मिले थे और स्कोर पहुंचा है 6 ओवर के बाद 59 रन। अच्छा एंड चेंज किया जाएगा और 25 मिनट हो चुकी है बराबरी से चलते हुए यहां पर 25 मिनट में 6 ओवर खत्म कर दिए हैं और 25 मिनट यहां पर बाकी है। फिर से कल मिलेंगे प्रहलाद भाई की बैटिंग देखने के लिए।
क्वार्टर फाइनल में जो सिक्सर किंग के नाम से जाने जाएंगे अब आरसीएल में, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आते ही ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हैं। तो कल भी 10 छक्के लगाए थे इन्होंने जी। अभी नरेश जी जब जीत गए ना, उसके बाद थोड़ा सा एकदम खुश हो चुके हैं कि अभी क्वार्टर फाइनल में आने का मौका मिल चुका है हमको भी। लेकिन कल आपकी अग्नि परीक्षा होगी, क्वार्टर फाइनल में बड़ी तगड़ी तगड़ी टीम आएगी, आपको उतरना पड़ेगा जी। अब आगे के 6 ओवर के लिए मैं नरेश भाई को देता हूँ अपनी कमेंट्री का भार। छह ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट, वह शानदार गेंदबाजी रही अभी तक मां रोहिणी की। एंड चेंज होता हुआ अब, उससे पहले जो मैच हुआ उसमें पहले जेबीआर और बीसीसी के बीच में जो मैच हुआ उसमें जेबीआर ने अपने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब यह भी हो रही है क्वार्टर फाइनल की जंग, देखना है कौन जगह बना पाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है इस मैच का प्रेडिक्शन? बॉलर नेम राकेश, ये जो राजपुरोहित युवा क्लब सूरत का जो बलून आप ऊपर देख रहे हैं वो जमेला क्लब द्वारा स्पॉन्सर्ड किया हुआ है। और नीचे जस्ट नीचे प्रभु श्रीराम, 22 जनवरी बिल्कुल सामने की तरफ मारा है सीधे बल्ले से, एक रन आसानी से चुरा लेंगे बल्लेबाज। और मैं बात कर रहा था प्रभु श्री राम की, जो 22 जनवरी की तारीख है ना, आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। इस 22 जनवरी को हमें दिवाली मनानी है और ये खुशियों का त्यौहार। हल्के हाथों से फ्लिक करके कलाइयों के सारे एक रन और अपनी टीम में जोड़ लेंगे जी। हाँ, 22 जनवरी को हम दिवाली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। पूरे संपूर्ण भारत में प्रभु श्री राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। और जी हाँ, राम आ गए हैं, स्वागत की तैयारी करें अब जी। और जमेला ग्रुप भी तैयारी कर रहे हैं अपनी। फिश एक बार बेहतरीन शॉट, ऊपर से गेंद निकल जाएगी जी हाँ, चौका प्राप्त करेंगे फिश एक बार। हेलो, बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को भेजा, हमारे साथ है कमलेश जी, एक क्विक रिएक्शन लेते हैं ऑडियंस का। Hello? क्या कहते हैं आप कमलेश जी? जी हाँ बिल्कुल, सभी टीम के, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी टीम के मेंटर है रतन जी भैसा, जो इस टीम को काफ़ी वर्षों से लेके चल रहे हैं। और इनके अंदर काफ़ी दिनेश जी और महेंद्र जी वगैरह, मतलब कि इतने होनहार खिलाड़ी भरे हुए हैं कि बहुत बढ़िया एकजुटता वाली टीम है। हेलो हेलो जी हाँ, अब कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी जेपी सिंह मादा। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी को थोड़ा सा इस मैच का इंट्रो देना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, बहुत आवाज़ आ रही है आपकी, बस आप दिल से बोलते रहिए। कमलेश जी, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या लग रहा है आपको, क्या घटना जा रहा है इस मैच में? ये जो मैच खेला जा रहा है आप सभी के बीच में, महारोहिणी स्पोर्ट्स क्लब वर्सेज स्वीट्स 11, 4 विकेट के नुकसान पे 66 रन, समा का प्रार्थी रहूँगा 67 रन बने अभी। काफ़ी अच्छा मैच इन दोनों ही टीमों के बीच में खेला जा रहा है। आप सभी मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या लगता है आपको, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है इस मैच की? दोनों ही टीम निश्चित रूप से ये मैच जीतना चाहेंगी। ऑफ साइड की और गेंद को हल्के हाथों के साथ धकेला, एक रन चुराया काफ़ी जल्दी। जेपी सिंह जी, जो ये मैच जीतेगा ना वो क्वार्टर फाइनल खेलेगा, वो टीम, ये मैच है ना, ये सिर्फ मैच नहीं है, ये क्वार्टर फाइनल की जंग है। बिल्कुल, दोनों ही टीम इसी निश्चितता के साथ आप सभी के बीच में जुड़ी है, एक लंबा हिट मारने की कोशिश, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी।
जैसे एक टूर्नामेंट होता है ना उसमें सभी का सहयोग होता है, और हमारे साथ बैठे हुए स्कोरर अरुण जिनका भी बहुत योगदान है, एक एक स्कोरिंग एक एक रन पे उनकी कड़ी नजर है, कहीं कोई मिस ना हो जाए, कहीं कोई अपडेट आप चूक ना जाए, इसके लिए क्रिक हीरोज पे बॉल बाय बॉल अपडेट अरुण भाई हमारे देते हुए। स्वीट 11 का स्कोर। सर्वप्रथम मैं भी परम पूजनीय आदरणीय गुरुदेव ब्रह्म ऋषि ब्रह्म अवतार संत शिरोमणि स्कोर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। दोनों ही टीम अभी तक परिपूर्ण रूप से इस मैच में बनी हुई है, किसी भी तरफ ये मैच झुका हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये मैच का नतीजा देखने के लिए आपको थोड़ा सा और सफ़र करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये टीमें खेल रही हैं वैसे वैसे इनके साथ दर्शकों को भी जुड़ना पड़ेगा। अभी तक दोनों ही टीमों को ये मैच जीतना अति आवश्यक अगले राउंड में जाने के लिए। अरविंद सिंह काफ़ी अच्छी गेंद बैट का सिर्फ एज के साथ संपर्क हुआ, एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। धीरे धीरे इस मैच से पहले जेपी भाई है ना, दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं और एक एक मैच गंवा चुकी हैं, तो दोनों ही टीमों के लिए ये जो मैच है ना डू एंड डाई सिचुएशन पे है। जी हाँ, दोनों ही टीमों को ये मैच जीतना अति आवश्यक अगर इस टूर्नामेंट में इनको अपना सफर आगे तय करना है। अरविंद एक बार फिर से काफ़ी अच्छी गेंद और जू जू ये डॉट बॉल बनती जाएगी, प्रेशर बल्लेबाज पर बनेगा। काफ़ी अच्छी क्रिकेट का नज़ारा इस राजपुरोहित समाज के द्वारा ये जो आयोजित प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजपुरोहित क्रिकेट लीग क्रिकेट सूरत वो प्रेशर का गेम है, जो प्रेशर हैंडल कर लेता है ना वो उस गेम्स को निकाल लेता है। और दूसरी तरफ जमेला ग्रुप एक साथ कुछ तो जमेला कर रहा है उधर। लेग की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार भी अच्छा सा संपर्क नहीं इस बैट के साथ। युवाओं का ये खेल, युवा दिवस आज स्वामी विवेकानंद किसी शरणों में नमन। ऑफ साइड की ओर गेंद को धकेला, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन के साथ स्वीट्स 11 संतुष्ट नजर आएगी, लेकिन एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसित होना पड़ेगा अन्यथा महारोहिणी स्पोर्ट्स क्लब का बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा बहुत गहरा और बहुत ज़बरदस्त है। अच्छे दिग्गज बल्लेबाज इस टीम में, काफ़ी अच्छी फील्डिंग। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, काफ़ी अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर की तरफ बचती हुई गेंद निकली, 4 रन के लिए जा रही है। नपातुला ये मैच रहता हुआ दोनों ही टीमों के लिए। अरविंद एक बार फिर से तैयार गेंद लेते हुए, काफ़ी अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति और 75 रन 4 विकेट का नुकसान, अभी मात्र 4 ओवर का गेंद शेष, 6 विकेट स्वीट्स 11 के हाथ में। वैसे पिछले मैच में रोशन ने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था, पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 से ऊपर रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए जो एक टर्निंग पॉइंट गेम में दिया था ना वो ओवर डाले उन्होंने, तो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीमें यहाँ पे टूर्नामेंट में
आगे बढ़ रही हैं बेहतरीन। काफी अच्छी गेंद, चार रन के लिए जाती हुई स्वीट्स इलेवन के लिए स्वीट चौका। काल के मारा है फील्डर के ऊपर से चार रन के लिए, कुछ ऐसे और शॉट्स की आवश्यकता है अपनी टीम को और अधिक स्कोर बनाने के लिए। देखते हैं क्या ये स्वीट इलेवन अपने टीम को एक स्वीट सा स्कोर दे पाएंगे। वैसे हम मिस कर रहे हैं सुरवीर सैंडी को, बहुत स्वीट आवाज है उनकी एज लाइक कैंडी, और इसीलिए हम उनको कहते हैं सुरवीर सैंडे। क्या हुआ ये एम्पायर जो कहेंगे रिटायर्ड हर्ट हुए क्या या सेल्फ आउट हुए, सेल्फ आउट हुए। दोनों ही टीम के जो भी हलचल हुई है इस ग्राउंड में, एम्पायर महोदय से निवेदन है। क्या हुआ ये एम्पायर हमें समझाएंगे, क्या रिटायर्ड आउट हुए हैं क्या, वापस बुलाएं मतलब रिटायर्ड जो भी हैं, अब जल्दी से मैच शुरू करें, उसके बाद और बहुत सारे मैच हैं, हमारे पास समय का अभाव है और हम नहीं चाहते किसी भी टीम के ऊपर समय की पाबंदी के आधार पर जो पेनल्टियाँ लगाएं वो लगाएं। बहुत अच्छा टूर्नामेंट दे रही है आरसीएल कमेटी राजपुर युवा क्लब सूरत, उसके लिए हम सभी खिलाड़ी तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। आप भविष्य में ऐसे बेहतरीन टूर्नामेंट करवाते रहिए और युवा प्रतिभाओं को आगे लाते रहिए। वैसे आपको बता दें कल एक और आयोजन हो रहा है एथलीट्स, ये क्या होगा क्या होना चाहिए, ये रनों का चांस है लगेगा अभी तो आउट होता बट नहीं हुआ। हम बात कर रहे थे कल जो आयोजन हो रहा एथलीट्स का, जिसमें जो हम खेलने जाते हैं ओलंपिक में उस तरह से राजपुर युवा क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट आरसीएल जो इस वर्ष 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में खेला जा रहा है, उसमें कुछ और एथलीट्स जोड़े गए हैं। एक बार फिर से बैक टू द बॉलर खेला, एक रन ले लेंगे आसानी से। मैं आपको बता रहा था कुछ और जो गेम ऐड किए हैं उसमें एथलीट्स हैं, जिसमें भाला फेंक है, गोला फेंक है और तस्करी फेंक जैसे खेल प्रमुख हैं। कई बंदों को शायद उन गेम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो आप ग्राउंड पर पधार के इसे गेम ज़रूर देखें क्योंकि ओलंपिक में खेले जाने वाले गेम हैं। एक बार फिर से मारा जस्सू बना वहां पर मौजूद, शानदार फील्ड है, क्या बात है, इसीलिए तो कहा जाता है कि वो समाज के आइकॉन है। बिल्कुल जसवंत सिंह नाम ही नहीं, गेम में भी दिलेरी है और बंदे में भी दिलेरी है। तो हम बात कर रहे थे अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ओवर की समाप्ति हुई, ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। और नरेश तो हम जो बात कर रहे थे ना भैया, एक मिनट, इस खेल में जो भी समाज बंधु भाग लेना चाहते हैं वो अपनी आईडी कार्ड की कॉपी और ₹200 पर प्लेयर पर जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। स्कोर पहुंचाए 9 ओवर के बाद 83 रन 4 विकेट के नुकसान के साथ स्वीट 11। साथ ही उनके जो नियम है ना वो इस प्रकार है कि 16 वर्ष तक उस 16 वर्ष से ऊपर के वर्ग के लिए 100 मीटर एवं 400 मीटर की दौड़ भी होगी, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं राजपुर युवा क्लब जो कि सूरत आरसीएल कमेटी से आप संपर्क कर सकते हैं इस एथलीट्स जो कि हम मिनी ओलंपिक राजपुर करवा रहे हैं।
जेपी सिंह जी, आप इसके बारे में कुछ दो बात जरूर कहिएगा। जी हाँ, कमिटी ने बहुत शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया, इसके लिए सभी खिलाड़ी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे टूर्नामेंट करवाने के लिए ना सिर्फ समय बल्कि बहुत कुछ त्याग भी देना पड़ता है। सेल्फ आउट हिट विकेट। और मैं एक जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि अभी उत्तरायण नजदीक आ चुकी है, तो जो भी भाई बंधु ड्राइव करके आ रहे हैं दूर दूर से, तो उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा चाइनीज दोहरे जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनसे थोड़ा बचकर आप देख करके आइए, क्योंकि सूरत में काफी घटनाएं हुई है, एक दो घटना है उसके चलते। क्या कर पाएंगे कुछ कमाल। तागे मारा है, क्या कैच हो पाएंगे, रनआउट का पूरा चांस, बैकअप मौजूद नहीं था इसीलिए जसुबना ने मारा नहीं। वहां जी हाँ, हो सकता अगर चांस रनआउट का बन सकता था यहाँ पे। जी हाँ, ये अच्छी सोच वहां जसुबन्ना, क्योंकि उनको पता है क्योंकि जो गेंदबाज था ना वो भी स्टंप के आगे खड़ा था, उनको पीछे खड़ा होना तो जसुबन्ना तब मार देते थ्रो। क्या बताया भी सही उनको, लग गया होता तो क्या नवरत्न खतरे में होते, लग जाता, लेकिन आगे खड़े थे गेंदबाज तो वो लगता नहीं, डायरेक्ट थ्रो अगर मारते तो डंडे उखाड़ देते वापस जसु बन्ना, लेकिन गेंदबाज राकेश पीछे खड़ा होना चाहिए था उनको। वैसे द्रुवेश आपने बात पे गौर नहीं किया, जमेला ग्रुप में है ना कुछ और ऐड हुआ है ऊपर, जरा नजरे घुमाइए। ओ, काफी बेहतरीन। जी हाँ, ये जो सभी टीम के कुछ कटिंग्स लगे हैं, जो उनके टीम्स के जो भी जर्सी बनी है, सभी टीम के एक एक फ्लैग, छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हैं, साथ में जमेला ग्रुप का परिवार जो उनका बैनर बड़ा सा लगाया हुआ है। मेनसा भाई ने कल रात को बहुत मेहनत करवाई, 4 बजे प्रिंटिंग करवाई, उठाए, मंगल जी भी पीछे लगे हुए थे, तब जाके जमेला ग्रुप जो होता है ना 1-2 महीने के पहले क्या एक्टिव होता है। आप भी इस ग्रुप में है शायद, आपको पता ही है, आप ग्रुप में लिंक डालते रहते हैं आपकी यूट्यूब चैनल के। और सैंडी भाई भी आज रात को शायद ग्रुप में जुड़ जाएंगे, उनको भी मजा आएगा कि ये झमेला है क्या, आज उनको झमेला असली पता चलेगा आज सैंडी भाई को। जी हाँ, सैंडी भाई को है ना हमने लिंक तो भेज दिया, इनवाइट तो कर ही दिया, अब बस उनके आने का इंतजार है। जी, और प्रहलाद भाई को भी आज ऐड करने वाले हैं हम लोग झमेला ग्रुप में, उनका भी स्वागत किया जाएगा। जी हाँ, सैंडी भाई वहाँ पे देखो चिल्ला रहे, सीटी मार रहे हैं कि झमेला ग्रुप में मैं आ चुका हूँ, अशोक जी पाचा के साथ बैठा हुआ हूँ। जी हाँ जी, जमेला ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं। और रिवर्स में छक्का लगाने की कोशिश, और सिक्सर, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का सिक्सर।
है मेरे को। क्या लगता है दुर्वेश भाई, आपका प्रेडिक्शन बता सकते हैं आप? पिछली लास्ट 10 गेंदे बाकी हैं, क्या हो सकता है इन 10 गेंदों में? जी मुझे लग रहा है कम से कम ये 99 रन हो चुके हैं, तो यहाँ से सोचो मेरी ऐसी है कि 120 तक बना लेगी स्वीट इलेवन, क्योंकि ज़्यादातर अभी आज स्कोर देखा है मैंने 120 के आसपास सभी टीमों ने स्कोर खड़ा किया है, 119 का स्कोर दो बार आया हुआ है, तो वही जा दिमाग में रहेगा और सीधा शॉट आरसीएल के वहाँ पर चौक। रुवेश भाई आपने जो प्रेडिक्शन किया ना, लेकिन बल्लेबाज ने कुछ और सोच रखा है, वो सोच रहे हैं 130 की तरफ। जी क्योंकि ये जो आखिरी के दौर होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि बल्लेबाजी से मारेगा, क्योंकि एक आध विकेट भी चका जाए तो भूल करते हैं, वहाँ पे एक विकेट भी आ जाती है, इसके चक्कर में मैंने ये बताया। और ये जो जो अभी दूसरा छक्का यहाँ पर लगा है, एक चौके पेशेंस, अपना दिमाग वो यूज करना होता है। देखते हैं ये जो बॉल है ना बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क, अब एक नई बॉल मंगवाई जाएगी, मिल नहीं रही है, जा चुकी है आउट ऑफ द पार्क। अगर ऐसे ही मारते रहेंगे ना तो कमेंट बॉक्स में से सारी बॉलें हो जाएगी। जी क्योंकि बॉल की बहुत FIR दर्ज करा चुके हैं ऑलरेडी आरसीएल कमेटी, और FIR जो दर्ज हुई है उसके भी कभी कभी बॉल मिल भी चुकी है कुछ FIR वैसे के सामने। रोहिणी टीम है ना अपनी बॉलिंग के लिए जानी जाती है, देखते हैं क्या कमबैक कर पाएंगे बॉलर। और ये खराब तोहफा यहां पर देते हुए यहां पर गेंदबाज और नो बॉल का इशारा। जी हाँ वही, जब जियो लॉन्च हुआ था ना 3 महीने फ्री के साथ डेटा फ्री, बॉलिंग के साथ डेटा फ्री दे रहे हैं, चौका तो गया ही गया, साथ में जो जखम दे गया ना वो नो बॉल थी। जी अब आने वाली है फ्री हिट। जी एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा बिल्कुल, और ये है स्वीट इलेवन के लिए सोने पे सुहागा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पे कड़वा हो चुका है, ऊपर से नीम चढ़ाया गेंदबाज ने, और फ्री हिट की गेंद फिर से सीधा खेला है और वहां पे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग की नजारा, लेकिन चौके कि अगर विकेट गिरती है ना उसके बाद तो ये प्रॉब्लम होती है। कमबैक तो बहुत शानदार है, विकेट जरूर लिया इस ओवर ने, बाकी थोड़े रन थोड़ा महंगा ओवर साबित हुआ है। 25 जी हाँ, यूट्यूब के ऊपर आपको ये बलून दिख रहा है, झमेला ग्रुप का बलून यूट्यूब के ऊपर लाइव दिखाई दे रहा है, कैमरा मैन वहां पर अच्छे से फोकस कर रहे हैं, सभी चीजों को भी कवर करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैच को कवर करते हैं। राज पुरोहित युवा क्लब सूरत काफी बेहतरीन कैमरा वर्क करते हुए, अपने सुजल भाई शायद नाम है उनका, निखिल नाम है, बेहतरीन। और झमेला ग्रुप के देखो जो अभी अब जूम करके वहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक झमेला ग्रुप का बैनर लगा हुआ है, उसके नीचे जो अलग अलग टीम्स की जो कटिंग्स लगी है, फ्लैग्स लगे हैं, वो भी उन्होंने वहाँ पे बताया है। कैमरामैन्स का बहुत बहुत धन्यवाद निखिल आपका, और ढलते सूरज को भी उन्होंने कैमरे में कैद किया था, काफ़ी बेहतरीन। अब सूरज थोड़ा सा ऑरेंज हो चुका है, ढिलता ढलता नीचे जाता हुआ, और ये इनिंग की भी बात करें तो अब 11 ओवर के बाद स्कोर बचा 118 रन 6 विकेट के नुकसान के साथ, अभी भी 10-15 रन बन सकते हैं इस ओवर में। फिर से यहां पर हवा में गेंद, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और
कुछ इसी तरह गेंदबाजी करने की जरूरत है। चार गेंदें और अच्छी निकाल दी, एक अच्छे टोटल की तरफ चेस करने के लिए जाएगी और स्वीट इलेवन सोच रही है चार गेंदों में कुछ ऐसा कर दें कि इतना बड़ा स्कोर हो जाए। जी हाँ, और जो पहली इनिंग में अगर बल्लेबाजी करता है और आखिरी की दो ओवर जो होती है उनमें उनको इतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि दो ओवर ऐसी होती है ना कि पीछे आपके पास पांच विकेट पड़ी है और आके बस बैट घुमाओ, एक आध छक्का लग जाएगा तो ज्यादा 15-20 रन जो बनते हैं वो आखिर में आपको काम लगता है। अगर सेकंड इनिंग में ये काम कर नहीं करता है, फिर से एक बार यहाँ पर पटकी हुई गेंद करने की कोशिश और सी बार रेखा के बाहर भेजते हुए वहां पर अब यहाँ से कमबैक करना पड़ेगा क्योंकि अभी काफ़ी रन लुटा चुके हैं। एक आखिरी दो ओवर में तीन गेंदे शेष यहाँ पर। जी हाँ, फिर से एक बार करने की कोशिश, यहाँ पर गेंद निकल जाएगी। जी हाँ, और को ताकत दिखी थी और ये गेंद में आपको नजाकत दिखी। क्रिकेट में यही होता है, बिल्कुल। जब तीन गेंदें शेष रहती हैं ना, तब कोई सोचता नहीं है कि पॉइंट और गली के बीच का जो गैप है ना, उसमें से एक सुई में से जैसे धागा पिरोया ना, वैसा एक गैप निकाला है। जी हाँ, और आखिरी की ये जो दो ओवर दो गेंदें बाकी अभी भी, और 132 रन पहुंचा चुके, 140 के आसपास जरूर पहुंचा लेंगे क्योंकि तब से कमबैक करना काफी मुश्किल जाएगा। पीछे एक बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन एक रन पहले तेजी से ले लिया चुका है और दूसरा रन भी आसानी से खत्म करेंगे क्योंकि थोड़ा सा फ्लम्बल हुआ फील्डिंग में वहां पर। और आप पंची देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था ना, आपने कुछ सोच रखा अलग है लेकिन बल्लेबाजों ने कुछ अलग टारगेट सेट किया है। कैमरामैन निखिल पंछी वहां पर उड़ रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा में कैद कीजिए। ये पंछी जा रहे हैं बिल्कुल अयोध्या की तरफ, क्योंकि 22 जनवरी को है ना, वहां पे पुनः प्रतिष्ठा है। जी हाँ, कैमरामैन ने वहां पर यूट्यूब के लिए माइलस्टोन से सिर्फ एक रन दूर पूरे ग्राउंड में, क्या एक रन लेके वाह 50 अपने पूरी कर पाएंगे। जी नहीं, बैक टू द डीजे।
अभी तक उनका रिकॉर्ड रहा है, कोई भी डिसीजन को कभी रिवर्स नहीं करना पड़ा है। DRS लेने के बावजूद उनके डिसीजन 100% श्योर एंड सिक्योर होते हैं। जी हाँ, नीलकण स्ट्राइकर्स वर्सेस गौरक्षक सोमनाथ किंग्स का अगला मुकाबला होने वाला है। और GSK की बात करूं तो GSK का हिस्सा मैं भी 2 साल पहले GSK टीम में खेल चुका हूं और वहीं से भी मुझे कमेंट्री का मौका भी मिला है, लेकिन मैं भी ट्राई करूंगा कि वापस 1 साल के बाद वापस मैं आऊंगा मैच में, उसी की टीम में आप खेलना चाहूंगा मैं भी अभी हाँ, अगली बार। हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे आप बहुत जल्दी कोई ना कोई टीम का हिस्सा बने, क्योंकि अगली बार होने जा रहा है ऑक्शन और आप जब ऑक्शन में आएंगे ना तो आग लगा देंगे आग। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर होते लोकल में, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट सिटी रहता हूँ सूरत से, तो चांस नहीं मिलता होता का जो भी यहाँ पे खेलते हैं उनके साथ मौका नहीं मिलता, तो वो जो भी हमारी कला है वो दिखाने का मौका नहीं मिलता है। और ग्राउंड्स पर अपने आ चुके हैं अपने क्रीज मार्किंग करने के लिए, थोड़ा सा 5 मिनट अभी और लेट चालू होगा, 4 मिनट अभी भी अपने पास है। आज ऑन डिमांड ऑडियंस ऑन डिमांड जसो बना से जाते हैं कुछ बड़ी इनिंग। नीलकण स्ट्राइकर से कप्तान से निवेदन है जल्द से जल्द सेल्फी बूथ के पास आए अपने टॉस के लिए अगली मैच के लिए। GSK नरेश भाई मैं बात करता हूँ GSK टीम की, जो सोमनाथ सुपर किंग्स की टीम थी उनकी बात करता हूँ, उनका जो ग्रुप होता है ना एकदम मजा आता है उस ग्रुप के लिए। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के जितने फैन फॉलोइंग होते हैं जैसे GSK टीम के भी बहुत सारे फैन फॉलोइंग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनको देखने के लिए आते हैं, जैसे कि करण सिंह तालका को देखने के लिए लोग आते हैं, मन्नू भाई को देखने के लिए लोग आते हैं, और साथ ही में करमवीर वहाँ पर खेलते हैं, प्रीतम मलिंगा भी वहाँ पर खेलते हैं, पिछली बार जीतू कोयम्बतूर भी थे लेकिन इस साल इस टीम के शायद आ नहीं पाए इस साल, और KP भी नहीं आए इस बार, जो सोमनाथ के एक बार खेल चुके थे अभी इस बार नहीं आए वो भी इस टूर्नामेंट्स के अंदर। लेकिन हर खिलाड़ी को देखने के लिए सभी युवा जो भी है उनसे मिलना चाहता है, क्योंकि साल में एक बार ये होता है क्रिकेट, और ग्राउंड्स में आ चुके हैं अपनी कामगिरी के ऊपर क्रिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप भी काफ़ी मेहनत करते हैं ग्राउंड्स को एकदम, जो पिच को आप बनाते हैं ना काफ़ी बढ़िया, जब पिच बनाई आपने जो काम किया आपने, क्योंकि स्कोर की बात करें इस बार RCL में आप 100 रन के ऊपर ज़्यादा रन बने भी हैं, जो अच्छे क्रिकेट देखने को मिली है इस बार इस ग्राउंड के अंदर। ताबड़तोड़ क्रिकेट बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल ये पिच, और जो बल्लेबाज एक बार टिक जाता है इस पिच पे तो लंबा रन करके ही आता है। और कल की एथलेटिक गेम की बात करूं कि उनकी तैयारी भी चालू है, आज एथलेटिक गेम कल से खेला जाने वाला है।
मिला है, थोड़ा सा 5 मिनट का जो ब्रेक मिला है उनके, जब बॉलिंग के बाद जो ब्रेक मिलता है ना तो सोचने का बहुत सारा टाइम मिलता है कि कैसे अपने को रणनीति बनानी चाहिए, क्या किस तरह से अपने को काम करना चाहिए। और वही चीज़ उनके पास भी है, स्वीट इलेवन के पास भी, क्योंकि स्वीट इलेवन भी सोचे कि उनके पास भी जो टाइम मिला है, थोड़ा सा आराम मिला है, जो मसल्स को थोड़ा सा आराम देने का भी वक्त मिला, जो बल्लेबाज थे उनके पास सोचने के लिए टाइम बहुत है कि किसको ओवर कराना है। क्योंकि जब मैच लगातार चलती है ना तो पता चलता है कौन सा बॉलर छूट जाता है माइंड से कप्तान के साथ में कि ये बॉलर का वो ओवर छूट गया है या इस बल्लेबाज को पहले भेजना चाहिए था। वो सब गलतियाँ चालू मैच में होती जाती रहती है लेकिन उसके बाद नहीं होता है। जी मन्नू भाई का स्वागत है, मन्नू भाई आ चुके हैं और फिर से एक बार जीएस के टीम के लिए। मेंसा के चहेते प्लेयर, पहले पुरोहित थाली के प्लेयर थे तब ज़्यादा तेज दौड़ते थे, आजकल जब जीएसके में आए इस साल थोड़ा सा सुस्त दिखे हैं। जी हाँ पेट बढ़ गया ऐसा बोल रहे हैं वो, क्योंकि पुरोहित थाली वाले ने बहुत खिला दिया। और लकी बन्ना ने भी जीएसके की जर्सी पहन ली है, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, जिस टीम में जाते हैं ना वो टीम अभी मान लिया है। अभी मेंसा ने वो टोटका किया है कि लकी को बाहर भेजते ना, जैसे एक इमोजी बना हुआ है हमारे झमेला ग्रुप में बहुत वायरल हो रहा है आजकल, बारह कार धक्कू देन, वो झमेला का ग्रुप में जो इमोजी बना है काफ़ी बढ़िया इमोजी बनाया है। जी बिल्कुल धक्को देन बारह कार्ड, जी हाँ धक्को देन बारह कार्ड है, ऐसे ही धक्का देन बारह करते हैं इसको तो वो टीम जीतती है जीएसके। लकी ओए लकी लकी ओए, देखो वहाँ पे लकी के साथ में सेल्फी भी ले रहे हैं लोग, देखो लकी के बहुत सारे फैन हैं कि लकी के साथ में भी सेल्फी लेते हैं। क्या लग रहा है आप, लकी ने तो जर्सी चेंज कर दी, अब सोमना सुपर किंग लकी हो गए हैं। लकी होए लकी होए, वो घर वापसी होती रहती है क्योंकि मेंसा उनको काफी वीडियोस बनाने के लिए बुलाते रहते हैं अपनी। वैसे ध्रुवेश भाई आप खिलाड़ी को कहीं भी रख ले उनका दिल है ना, उनको दोनों बल्लेबाज और राकेश, जी हाँ क्योंकि बड़ा मैच है, जसू बन्ना आज थोड़ा सा लेट आया क्योंकि पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हैं यहाँ पर रोहिणी। हमारे कमेंटेटर सैंडी भाई सुरवीर, आपकी कमेंट्री आपको याद कर रही है और आरसीएल के सभी दर्शक आपको याद कर रहे हैं, जल्द से जल्द पधारे। हम कमेंट्री बॉक्स में भी याद कर रहे हैं, बिल्कुल उनके बिना ऐसा लग रहा है ना मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो है जिसकी कमी लग रही है और वो है सुरवीर शांडे। बॉलर का
कुलदीप जी है क्या हाथ ऊपर करें? जी हाँ। क्या और मैन सा आ चुके हैं अपने कमेंट्री बॉक्स में भी? जी अमार रोहिणी के 12th मैन आ चुके हैं। ओह काफी बढ़िया, यहाँ पर गेंद की और सिंगल से नहीं रोक पाएंगे, और सिंगल चुराया, अपना भी खाता खोला और टीम का भी खाता खोलते हुए यहाँ पर अशोक सिंह। वेलकम टू शूरवीर शेंडे। और अब आ चुके हैं कमेंट्री में। शूरवीर शेंडे की आवाज और बाजीराव की तलवार पे कोई संदेह नहीं करते। और यहां पर जगह बनाई और बेहतरीन गैप निकालने की कोशिश, थर्ड मैन रीजन में गेंद ट्रैवल होती भी, लेकिन मिल जाएगा यहाँ पर सिंगल। अब देखिए पहली मार रोहिणी की सलामी की जोड़ी, यहाँ पर अशोक सिंह और राकेश। शांडी भाई मुझे ये लग रहा है ना मैच बहुत टफ होने वाला है। हाँ देखिए पहले मार रोहिणी क्या पकड़ कर रखा था, लेकिन लास्ट की दो तीन ओवर में जो रन बरसे ना, ऐसे लग रहा है तूफान आ चुका है। और ये होती है वेरिएशन, देखिए स्लोवर गेंद क्योंकि उसको और मुकेश। देखिए जीएसके गोल रक्षक सोमनाथ इस टीम में इसका डेब्यू हो रहा है, और देखिए करण सिंह तालका और उसको डेब्यू कर रहे हैं, क्या बात है। आज की मैच में इसका डेब्यू हो रहा है, नाम है मुकेश और जीएसके टीम में इस खिलाड़ी का आज डेब्यू हो रहा है। देखिए फिर से हम मैच की ओर जाएंगे, यहाँ पर थोड़ी मजा लेकर आएंगे क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में अब टारगेट मिला है लगभग मार हुई इस टीम को 100। ओहो गेंद गिरी स्लॉट में, ओहो फड़ी मछली छाल में फंसती हुई, और ये गलती महंगी पड़ सकती है। देखिए हमेशा आप बैटर यहाँ पर क्या करता है कि देखिए पावर प्ले में दो फील्डर 30 yard सर्कल के बाहर होते हैं, यहाँ पर फील्डिंग देखिए किस तरह सजाई है, मिड विकेट और शायद मिड ऑन के फील्डर को, लेकिन आप वहाँ पर नई गेंद को शॉर्ट नहीं खेल सकते। अगर है अच्छी ताकत है और अच्छी कनेक्ट है तो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि नई गेंद में दिक्कत आ सकती है और अपने आप से नाराज बैटर। शैंडी भाई आपने बोला बॉल गिरी है स्लॉट में और जाएगी बाजू वाले प्लॉट में, पर नहीं गई है भैया। नहीं गई, ये तो बात सही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाजू वाले फ्लॉट में जरूर जाएगी, लेकिन देखिए हवा का भी साथ। मैं हमेशा कहता हूँ आप राज पुरोहित युवा क्रिकेट क्लब का आप फ्लैग देख सकते हो, फ्लैग कहाँ पर घूम रहा है यानी वो बलून कहाँ पर, उसकी हवा देखिए पूरी हवा। अब बैटर को जहाँ से यहाँ से जब मनीष अभी जहाँ पे खड़े ना, यहाँ से जब बैटिंग स्टार्ट होती ना तो ये छक्का जरूर जाता, हवा का भी फर्क गिरता है बॉस। हाँ तो जमेला ग्रुप में इसलिए तो ये बलून लगवाया ताकि हवा कहाँ पर है आपको पता चले। और देखिए यहाँ पर गैप निकाला है, देखिए ये होता है क्लास राकेश, क्योंकि देखिए यहाँ पर उसको मालूम है फील्डर वहां पर मेरे लिए कहाँ पर सजाइए। चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। जी अब नरेश जी मां रोहिणी की खेमे में जा रहे हैं कुछ मंत्र देने। नरेश जी आएंगे चाय लेकर आएंगे, और वहां पर चाय लाने के लिए गए, मुझे बोले सैंडी भाई कुछ तो लेकर आता हूँ। देखिए हमारे डीजे मास्टर जय जी है ना, जो सूरत से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कहा हाँ सूरत से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा अब हम लोग का सेट बैठ चुका है क्योंकि ये दूसरा सीजन है मेरे लिए। और देखिए मनीष, अब मनीष यहाँ पर मालसा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि राकेश को पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर रखने की कोशिश, क्योंकि राकेश आइकॉन खिलाड़ी है और शायद बाड़मेर से बिलोंग करते। हाँ ये देखिए 30 yard सर्कल के बाहर यहाँ पर ये होता है क्लास, बहुत बेहतरीन फील्डिंग और अपने टीम के लिए बचाए 2 run। नाम है शायद फील्डिंग किसने रोकी,
नवरत्न और बेहतरीन पारी जब ये बैटिंग के लिए आए ना, उसके बाद स्वीट इलेवन ने गेयर चेंज कर लिया। उससे पहले क्या बात है, बेहतरीन फील्डिंग कमबैक करता हुआ यहाँ पर गेंदबाज। पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति पथ पर शायद आखिरी गेंद शेष है और देखिए अब तक पकड़ के रखा है मार रोइनिस टीम को, टीम स्वीट इलेवन ने शायद मीठा खिलाकर 12 पर रोक के रखा और एक विकेट गिर चुका है। मालसा और राकेश के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी अपनी टीम की फायरिंग संभाली, लेकिन बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर दिलीप। दिशाहीन गेंदबाजी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13, दूसरी ओवर की अभी भी एक गेंद शेष है। और देखिए यहां से कवर ड्राइव देखने को मिला है राकेश का और राकेश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी अपनी टीम की पारी संभालने की। और ये बेहतरीन खिलाड़ी है और मालसा ये पावर हिटर है, हमेशा मैच को बने रखेंगे ये दोनों, क्योंकि टारगेट मिला है शायद 135। अब 10 ओवर में बनाने हैं लगभग 14 रन हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 14, 160 गेंदों में बनाने 121 यानी 12 के ऊपर रन रेट चाहिए। प्रति ओवर 6 गेंदों में 12 रन बनाए, अब यहाँ पर बैटर को क्या करना चाहिए, देख भाई 6 गेंदें खेलनी है और 6 गेंदों में सिर्फ 2 बड़े हिट करने के, लेकिन गेंदबाज और स्वीट इलेवन कैप्टन यहाँ पर चाहेंगे कम से कम 6-8 अगर 3-4 ओवर 7-8 का अगर रन रेट अगर रखा ना तो फिर दिक्कत ये बढ़ सकती है और टारगेट रहेगा रन रेट ऊपर चढ़ाने का। और ये गलती महंगी पड़ सकती है राकेश, और यहाँ पर तीसरी ओवर की पहली गेंद पर यहाँ पर ब्रेक तो दिलाया, क्या चिराग ने पकड़ा तो हाथ ऊपर करो चिराग, ओके बेहतरीन कैच। ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी, बड़ा मंच बड़ा पंच कौन बनेगा अब सरपंच, लेकिन सरपंच तो चल लिए, कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी, अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर कुलदीप ने तीसरी ओवर की पहली गेंद पर यहाँ पर ब्रेक तो दिया। स्वीट इलेवन इस टीम के लिए मार रोहिनी के लिए दूसरा ज़बरदस्त धक्का, क्योंकि राकेश ये पलटवार कर सकता था और ये आइकॉन खिलाड़ी है और नया बैटर मैदान के अंदर आता हुआ नाम है अरविंद सिंह। हाँ अरविंद न्यू बैटर अरविंद बाड़मेर के आवरियो, और देखिए ये बैटर आ चुका है, खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, अब किसकी नहीं होगी खैर, नाम है अरविंद चौकार। सिक्सर ये लगा कर सॉरी माफी चाहता हूँ छक्का, क्योंकि रात के अंधेरे में इतने दिखाई देती नहीं है और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। सिक्सर ये बॉल आ गई और इस टूर्नामेंट को आरसीएल को यहाँ पर क्रिक लाइव के जरिए टेलीकास्ट किया जा रहा है, और देखिए इसकी क्लियरिटी देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलोअर्स बनिए। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कुलदीप, क्या बात है, और यहाँ पर निकल गई है, निकल जाएंगे और मिल जाएंगे 4 रन। दर 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 चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। क्या बेहतरीन यहाँ पर क्या गेम देखने को मिला, खेल यहाँ पर काफी एक्साइटेड
पलटवार किया है यहाँ पर, दो गेंदों में 10 रन और कमबैक किया इस गेंदबाज ने। देखिए मुकेश पीपीएल के खिलाड़ी जो फाइनल में खेल चुका था, मुकेश पुरोहित मैन फ्रॉम अमरापुरा सिरो डिस्ट्रिक्ट में शायद ये गांव आता है, उसने कमेंटमेंट लिखा है, क्या कमेंट्री करते हो आप, यू स्किल माइंड सेट टेम्परमेंट लेवल इज़ वेरी पॉजिटिव, फाइनल की कॉमेंट्री। और यहाँ से फिर से सम्मान दिया और फील्डर वहाँ पर तैनात है, फाइनल के कॉमेंट्री सुनिए आपकी, दिल से खुश हो गया बंदा कॉमेंट्री से अग्रेसिव हो जाए। थैंक्स मुकेश पुरोहित मैन फ्रॉम अमरापुरा। और एक खिलाड़ी ने यहाँ पर कमेंट्स दिया है, और जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर फील्डर तैनात है, सिंगल से काम नहीं चलने वाला है, लेकिन यहाँ पर हर प्रति ओवर 12 का रन रेट चाहिए। देखिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 26 दो विकेट के नुकसान पर रन रेट आगे बढ़ चुका है, 12.11 का रन रेट आ चुका है, 54 गेंदों में चाहिए 109 रन। और एक खिलाड़ी ने कमेंट में लिखा है, रायगढ़ से बिलोंग करता है, सैंडी भाई तू समालोचन करता ना, एक शब्द बोलतो ना तो शब्द कानावर पड़ता, छाती पण अभिमानाने फुगून येते, तो म्हणजे मी शूरवीर मॅन फ्रॉम रायगड, ज्या मातीने आपल्याला घडवलं चार त्या रायगडाचे नाव शूरवीर ब्रँड, आज तू 7 समुद्र पार घेऊन जातोय, खूप अभिमान वाटतो। थँक्स नितेश रिकावे मॅन फ्रॉम कोळतुडी गौलवाडी। देखिए ऐसे से मैं अभी इतने सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, फिर एक बार मैच की ओर जाते और देखिए कमेंट्री बॉक्स के सामने भरत मैन फ्रॉम मेड मंडवाड़ा, या इस बार नहीं कर पाए राडा और तीनों टीम हार कर निकल जा रहे, वाइट का इशारा, क्या बात है। मालसा और अरविंद सिंह के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी टीम महारोहिणी को वो जीत दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज देखिए स्वीट 11 के गेंदबाज दिलीप और माउंट आबू की तरह यहाँ पर पहाड़ खड़ा कर दिया है, 72 यानी 12 ओवर में चाहिए 135। यहाँ पर पंच करना चाहते थे मालसा, लेकिन अपने आप को क्यों रोका ये सोचने वाली बात है, यहाँ पर अगर पंच करते पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, अगर यहाँ से पंच करते 38 सर्कल को पार कर लेते तो गारंटी के साथ यहाँ पर 4 रन मिल जाते, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल की वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास। दिलीप शायद आइकॉन खिलाड़ी है, क्योंकि देखिए आज आपको वही क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस करते दिखेंगे आइकॉन। और देखिए और यहाँ पर पलटवार किया है मालसा, मनीष ऑन फायर, देखिए क्लास देखे इस खिलाड़ी का, कवर ड्राइव देखने को मिला और नीचे दर 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 चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। थैंक यू डीजे। कमेंट्री बॉक्स में अब आ रहे हमारे दशरथ जी, कन्हैयालाल जी कैटरर्स के ओनर, दशरथ जी आप आ रहे और आज सॉरी ये नहीं है दशरथ जी जो हमारे कमेटी मेंबर है, और यहाँ पर खाना क्या चाहिए क्या कुछ, हाँ KM कैटरर्स के ऑनर दशरथ जी, और हमेशा कमेटी से पूछते कि आपको आज क्या चाहिए, जैसे अच्छे अच्छे डिश और बनाते हैं, और इनके डिश दाल बाटी घी रोटी कहते हैं ना, राजस्थान के रजवाड़े दाल बाटी चूरमा, कौन किसकी आँख में लगा देगा चूरमा। और देखिए स्टेट ड्राइव और निकाल दिए, ओहो बेहतरीन है फील्डिंग, दिनेश मैन फ्रॉम फुंगनी और चालोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते, और फुंगनी की बात करो तो मोहब्बत नगर के थोड़ा आगे निकल जा, मोहब्बत नगर के आजू बाजू फुंगनी गांव है और उसके बाजू में नून, हाँ और थोड़ा आगे जाएंगे मोहब्बत नगर से फिर रामसिंह तूर फरगना, फिर आगे आता है मुड़तरा सेली सिकवाड़ा जोड़वाड़ा और बहुत सारे गाँव। ओहो क्या बात है, ज़बरदस्त गेंदबाजी, खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। देखिए मैच अभी भी ऑन है क्योंकि 33 रन हो चुके हैं और शायद चौथी ओवर प्रगति पथ पर, चौथी ओवर की आखिरी गेंद अभी भी शेष है और जीत के लिए 49 गेंदों में लगभग 100 के ऊपर रन चाहिए, हाँ चाहिए 102 रन। अभी मैच आएगी देखिए 48 गेंदों में 100 के आसपास जाएगी, क्योंकि ये इस ओवर की आखिरी गेंद है, पावर प्ले की ओवर आखिरी गेंद। ओह ये
मिस्टर 360 स्टाइल में खेलना चाहते थे लेकिन अपने आप से नाराज, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करूंगा, उन्होंने पहले ही देख लिया कि यस बैटर ने वही मूड बनाया और दिलशान की तरह स्कूप शॉट खेलने का। और यहाँ पर देखिए स्लोअर गेंद डाली, अगर तेज तर्रार डालते ना तो मनीष वहाँ पर स्कूप शॉट मारते। टीएम दिलशान की तरफ 33 और 48 गेंदों में अब चाहिए 102। और नरेश भाई किधर गए? नरेश भाई मैन फ्रॉम तालकिया कुछ चाय या ठंडा लाने गए थे लेकिन किधर गए पता नहीं। नरेश जी तालकिया हेमंत सिंह आइकॉन खिलाड़ी है, देखिए किस तरह गेंदबाजी कर रही है। देखिए रात को हम जब उस चाय का पटरी का नाम मैं भूल गया क्या, हाँ ठाकर गनी पर रात को हम लोग 2-2.5 बजे बैठे थे तो हेमंत सिंह भी वहाँ पर थे और बाहर से बिलोंग करते और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। क्या बेहतरीन पारी 49 रन मारी अपने टीम के लिए आज। ओह लोअर फुल टॉस गेंद, यहाँ पर बड़ा फ्लिक करना चाहते थे अरविंद लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं है। हेमंत ने उस गेंद पर उंगलियां फेर दिया था, अपने आप से नाराज। क्या है इस गेंदबाज का राज, बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है, आइकॉन खिलाड़ी है, नाम है हेमंत सिंह। रात के वीडियो में मैंने स्टेटस में इनका भी नाम लिया हुआ है। ओहो दे धक्का मार छक्का, मैं हूं इस टीम का हुकुम कहक्का, मनीष ऑन फायर। सिक्सर, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का सिक्सर। बॉल इधर ही थी ना भाई, बॉल ऊपर गई। ओके स्कोर हो चुका है 4-0। कौन बनेगा इस मैच का हीरो क्योंकि स्कोर हो चुका है 4-0। अब देखिए 45 गेंदों में 95 रन की ज़रूरत है, लगभग 12 के ऊपर रन रेट जा चुका है। ओह कमबैक किया इस गेंदबाज ने, नाम है हेमंत सिंह। देखिए दोनों टीम की बात करूं तो दोनों टीम कल एक एक मैच, दो दिन में एक एक मैच जीत चुकी है और यहाँ से जो हार जाएगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर गई, क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनानी है तो ये मैच कोई भी हालत में जीतना जरूरी है। ओह क्या जगह बनाई थी लेकिन कमाल की गेंदबाजी। ओह एक रन आसानी के साथ पूरा करता हुआ, नाम है मनीष। लेग भाई है ना, और देखिए कमेंट्री बॉक्स के सामने दो तीन बड़े खिलाड़ी आते हैं, नाम है भावेश जानी, महंगे बड़े की दुश्मनी, आधा टीम आज विकेट लिए और उनके साथ चिराग जो हर वक्त लगाते आग, मैन फ्रॉम वन, और उसके साथ में और एक खिलाड़ी जा रहे जस्सी, मैन फ्रॉम असावा। चलिए फास्ट फास्ट 41, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 41 दो विकेट के नुकसान पर। अब जीत के लिए चाहिए 42 गेंदों में 94। कैमरामैन सुमित थोड़े से ठंडे होते हुए, कैमरामैन जल्दी फोकस करो।
और गेंदबाजी में आ चुका है यशवीर। और यहां पर बड़ा फ्लिक करना चाहते थे लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं है। और देखिए मनीष यहां पर कह रहे कि देख सिंगल लेकर स्ट्राइक तेरे पास रख क्योंकि अब 100 ऊपर बढ़ चुका है और दोनों को अब बड़े प्रहार करने चाहिए क्योंकि ये दोनों भी स्टार खिलाड़ी है और यहां पर पलटवार करना चाहते हैं मां रोहिणी टीम के लिए। और यहां पर बड़ी मछली जाल में फंसती हुई और मनीष बैक टू द पैविलियन। और बेहतरीन कैच यहां पर सूरज ने ये कैच लिया है और सूरज राज के पुरोहित। और शायद इस टीम के ऑनर भी है, हाँ स्पॉन्सर इस टीम के ऑनर है रतन जी और इस टीम के स्पॉन्सर से सूरज जी। देखिए स्पीड 11 रतन जी की टीम है और यहाँ पे कमेटी मेंबर की हर एक कमेटी मेंबर की एक एक टीम है। और नए बैटर यहाँ पर मैदान के अंदर आते हुए जस्सू बन्ना और इस बैटर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी और एज अ मोटिवेशन पार्ट इंडियन टीम के लिए ये खेलते हैं। और अभी जस्ट उन्होंने सेंचुरी लगाया था और राजस्थान रॉयल्स ने इनकी स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से, नाम है जस्सू बन्ना। क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी। अब यहाँ पर जस्सू बन्ना आए और जस्सू बन्ना के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी इस टीम की क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं, इनके पास अनुभव है काफ़ी टूर्नामेंट। अभी कल इनसे मैंने बात किया तो मुझे बोले सैंडी भाई ये टूर्नामेंट पटा कर मुझे अपने राजस्थान घर जाना है क्योंकि 2.5 से 3 महीने से, ओह क्या बात है, 2.5 से 3 महीना ये खिलाड़ी बाहर ही है। अभी जस्ट ABR CD उसके पहले फिर लेदर्स के बहुत सारे टूर्नामेंट खेल कर ही आए। और देखिए कवर ड्राइव देखिए आंख पर जबरदस्त खिलाड़ी है ये, नाम है जस्सू बन्ना, आइकॉन खिलाड़ी है और समाज के हीरो ये और समाज के लिए भी एक आइकॉन है क्योंकि इन्होंने अपने समाज का नाम रोशन किया है और राजस्थान की तो शान है ये और हिंदुस्तान यानी इंडियन टीम की जान है ये। ओहो बड़ी मछली छाल में फंसती हुई और एक विकेट का पतन। ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? अब है गांव की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जस्सू बन्ना इनको क्योंकि और एक विकेट का पतन। और बेहतरीन कैच लिया है यहां पर महेंद्र। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 42 और 4 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट चालू है 7 का और रिक्वायरमेंट रन रेट है लगभग 15.50। इंपैक्ट इंपैक्ट प्लेयर है प्रीतम सिंह। बॉलर नेम दिनेश हेमंत है क्या? बॉलर हेमंत है तो हाथ ऊपर करो, नहीं आकाश।
अब यहां से लंबे लंबे छक्के जा सकते हैं क्योंकि हवा का साथ मिलेगा। अब जस्सू बन्ना इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी अब यहां से पारी संभालने की। और देखिए कवर ड्राइव देखिए और निकल गई है और निकल भी जाएगी चार रन के लिए। ये खिलाड़ी क्लास नहीं है भाई, ये फर्स्ट क्लास खिलाड़ी है, अपने देश के लिए खेलते हैं, नाम है जस्सू बन्ना। दर 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 चौका, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का चौका। और फिर से यहां पर गैप में निकालने की कोशिश, लेकिन मिल जाएगा यहां पर सिंगल स्ट्राइक रोटेट होती हुई। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, जिस जैसे जैसे गेंद डॉट आएगी ना वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। यहां पर हर गेंद पर बड़ा प्रहार करना चाहिए, कोशिश रहेगी कि जो 15 के ऊपर रन रेट गया है उसको कहीं ना कहीं 12 तक लाने की। एक ओवर कोई बड़ा आ जाए, हाँ ये बड़ा प्रहार है और प्रहार नहीं भाई, यहां से खिलाड़ी भी बाहर है, नाम है प्रीतम। और एक विकेट मिलता हुआ, पांचवा विकेट गिरता हुआ। नहीं यार ये तलवार है सर, नहीं आपका नंबर लेता हूँ, मुंबई से रवाना कर दूंगा। ये बैट मैंने प्रमोशन के लिए है क्योंकि यहाँ से जिस खिलाड़ी की बैट है, सॉरी ये यहाँ से जाएगी एपीएल अंजना प्रीमियर लीग पुणे में जाने वाली है तलवार, जो 3 दिन का है 26, 27, 28 उस खिलाड़ी ने बोला है। चलिए और मैच की ओर जब बढ़ते हैं। और यहां पर रिवर्स अटेंड करने की कोशिश, क्यों जानते हैं देखिए इसको कहते हैं खिलाड़ी, उन्होंने देखा कि पावर प्ले खत्म हुआ, उनके लिए देखिए फील्डिंग कहाँ पर, 3 फील्डर जो यहाँ पर मिड विकेट फाइन लेग और मिड ऑन पर रखा है और यहाँ पर कवर पॉइंट पे फील्डर शायद नहीं रखा है, मिड ऑन पे फील्डर है तो इसलिए रिवर्स अटेंड किया था क्योंकि यहाँ से 38 सर्कल अगर फाड़ देंगे तो फिर चौका या छक्का निकल सकता है। इसको कहते हैं कैलकुलेशन के साथ बल्लेबाजी करना। और यहाँ पे ये आसान सा कैच दे बेटा, खिलाड़ी का नाम है शरवन। ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। ओ सरपंच साहब चल दिए, पहली गेंद पर बड़ा प्रहार चौका मारा, उसके बाद यहां पर पलटवार नहीं कर पाए। अब पूरी जिम्मेदारी अब एक ही आदमी खिलाड़ी के कंधे के ऊपर है, नाम है जस्सू बन्ना। छठा विकेट गिरता हुआ और देखिए मारोनी टीम 52 पर पहुंच चुकी है, अब लगभग रन रेट काफ़ी ऊपर चला गया है, 17.79 यानी लगभग 6 गेंदों में 3 छक्के हर ओवर में मारने चाहिए। यानी 8वीं ओवर के 2 गेंद गिर चुके हैं, अब 28 गेंदों में लगभग रन चाहिए। हर गेंद पर बड़ा प्रहार, अब नए बैटर मैदान के अंदर आते हुए, नाम है अशोक। और देखिए क्लास इनसाइड आउट,
नहीं स्ट्रेट ड्राइव यहाँ पर दिखी नहीं सॉरी, और यहाँ पर मिल जाएगा सिंगल। ओह जबरदस्त गेंदबाजी, कमाल की वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास, नाम है यशवीर। और देखिए रमेश भाई कालूड़ी, टीम ऑस्ट्रेलिया 3 मैच लगातार जीतकर अपने ग्रुप में टॉप में है, और हमारे कैमरे के सामने से निकलते हुए और निकल जाएगी गेंद। ओहो क्या फील्डिंग है भाई, एफर्ट देखिए, और यहां से मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 रन। बेहतरीन फील्डिंग, ऐसा मुझे लगा था कि ये जाएगी 4 रन के लिए, लेकिन क्या फ्लिक किया था, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है। ओहो जबरदस्त गेंदबाजी, अब मैच यहाँ पर बने रहने के लिए हर गेंद पर बड़ा प्रहार करना चाहिए। शायद 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर हो चुका है 54। कौन सी टीम यहाँ पर करेगी वंस मोर, क्योंकि अब 24 गेंदों में चाहिए लगभग 20 के आसपास रन रेट जा चुका है, 24 पर 81 रन की ज़रूरत है। यहाँ पर स्वीट 11 ने टॉस जीतकर जो वो डिसीजन लिया ना, वो सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि कल मैं खुद बोला था, क्योंकि दिन और डे और नाइट का जब मैच होता है ना, तो टॉस जीतकर हमेशा बैटिंग। और यहाँ से मिल जाएगा सिंगल, बेहतरीन फील्डिंग, नाम है चिराग। हेमंत गेंदबाजी में आ चुके हेमंत, और शायद यहाँ पर चलिए फास्ट रिक्वेस्ट है, बहुत स्लो हो गया गेम पिछली 2 मैचों से। ओह जैसी गेंद आएगी वैसी बाहर जाएगी 6 रन के लिए, मिल जाएगी बाजू वाले प्लॉट में। कम ऑन डीजे सिक्सर, ये लगा कन्हैया लाल कैटरर्स का सिक्सर। थैंक यू डीजे, अब इसी तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए। ओहो जबरदस्त प्रहार, और यहां पर भी जाएगी गेंद। ओहो बाउंस उतना मिला नहीं, नहीं तो यहां पर भी मिल जाते थे 4 रन। और देखिए फिर से स्ट्राइक पर जस्सू बन्ना, गेंदबाजी में हेमंत सिंह, आइकॉन वर्सेस आइकॉन, यानी बेस्ट वर्सेस बेस्ट, कौन लेगा रेस्ट। और देखिए इनका कवर ड्राइव, देखिए ये है इनका क्लास कवर ड्राइव है, और गेंद को निकाला है 4 रन के लिए। अब यहां पर टीम ने कमबैक किया है, क्योंकि 3 गेंदों में अब 11 रन आ चुके हैं। देखिए क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, और यहां पर कुछ भी हो सकता है। देखिए मैच अभी भी 20 गेंदों में चाहिए, शायद 69, आपने देखा होगा वुमेन्स प्रीमियर लीग में 18 गेंदों में 62 रन की ज़रूरत थी, वो मैच 17 गेंदों में जीत चुकी थी यूपी वॉरियर्स की टीम। उसी तरह क्रिकेट अनिश्चितों का खेल माना जाता है, और गए साल आपने चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटंस का फाइनल तो देखा होगा, 20 गेंदों में 50 रन की ज़रूरत थी, और 5 गेंदों में लगभग 30 रन आ चुके थे, और उसके बाद मैच आ चुका था 15 गेंदों में 20 रन, परफेक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत बता रहा। फिर उसके बाद गेंदबाज ने कमबैक किया, फिर मैच लास्ट में आई थी 2 बॉल और 10 रन, उसके बाद सर रविंद्र जडेजा ने 1 छक्का और 4 चौके के साथ उस मैच को जिताया था। उन्नीस गेंदों में 67 रन की जरूरत है, और देखिए क्लास देखिए, और यहां पर बेहतरीन फील्डिंग सूरज राजपुरोहित। स्कोर हो चुका है 69, 6 विकेट के नुकसान पर, और 9 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। अब 18 गेंदों में चाहिए 66 रन की ज़रूरत है, और रन रेट 22,
छह गेंदों में यहाँ पर 22 रन चाहिए और बन भी सकते हैं अगर इस तरह पे हर गेंद पर पलटवार बड़ा प्रहार करेंगे तो। और यहाँ पर बड़ा फ्लिक करना चाहते थे लेकिन नहीं, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं। इनके बैट का स्विंग देखिए, कमाल का स्विंग है। आखिरी क्षण तक, मतलब आखिरी दम तक इंतजार करते, बॉल को आने देते और उसके बाद ओहो जबरदस्त स्ट्रोक है ये और गेंद जाएगी। ओहो क्या फील्डिंग है भाई, बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिला अपने टीम के लिए। रोके है 2 रन। बॉलर कुलदीप है ना? ओके बॉलर कुलदीप है ना? ओके और यहाँ पर फिर से बड़ा शॉट्स खेलने की कोशिश लेकिन मिल जाएगा यहाँ पर 2 रन। क्या बात है, मैच जबरदस्त ऊपर निकल चुका है और अब चाहिए लगभग 13 गेंदों में 61 रन की जरूरत है और रन रेट काफी ऊपर निकल चुका है। ओहो शूरवीर की तलवार, हर खिलाड़ी बनेगा सुपरस्टार। पलटवार किया यहां पर बैटर अशोक। सिक्सर, ये लगा कन्हैयालाल कैटरर्स का सिक्सर। हाँ स्कोर 8-0, 10 ओवर की समाप्ति का स्कोर हो चुका है 80 और अभी चाहिए 12 गेंदों में लगभग शायद 55 रन के आसपास चाहिए। हाँ 12 गेंदों में 55 और गेंदबाजी के लिए आ चुका है आकाश, है ना बॉलर? नहीं यशवीर। और देखिए जाएगी शायद 4 रन लेने के लेकर। ओहो बेहतरीन फील्डिंग और रोके यहां पर अपने टीम के लिए 2 रन। अब यहां से अगर ये 4 मिलते ना ये पलटवार होता था क्योंकि हर गेंद पर अब बड़ा प्रहार करने की कोशिश बैटर यहां पर जस्सू बन्ना करेंगे। ओहो ब्लॉक में डाली हुई गेंद और मिल जाएंगे फिर से 2 रन। क्या बात है, बेहतरीन फील्डिंग,
दो गेंदों में यहाँ पर चार रन आ चुके हैं, अब चाहिए 11 गेंदों में शायद एक 51 रन की जरूरत है, दस गेंदों में चाहिए 51, यानी हर गेंद पर 5 रन चाहिए। और एक विकेट का पतन, अशोक यहां पर बैक टू द पैविलियन। महेंद्र न्यू बैटर नेम गणपत, और यह ये गेंद काफी हवा में, और यहां से मिल जाएंगे 2 रन, लेकिन नहीं, 1 ही लिया। अब चाहिए 8 गेंदों में अभी भी 50 रन की जरूरत है। स्ट्रेट ड्राइव, कोई रन नहीं है। 7 गेंदों में अब चाहिए 50 रन की जरूरत है। मैच काफी हाथ से निकलता हुआ, अब मां रोहिणी को चमत्कारी बचा सकता है। अब 6 गेंदों में 50 रन की जरूरत है, और यहां पर कोशिश रहेगी 6 के 6 गेंदे यहां पर जस्सू बन्ना खेले। बॉलर नहीं, बॉलर चिराग, 6 गेंदों में 50 रन की जरूरत है। छे पे 50, और यहां से निकल जाएगी 4 रन के आसपास, लेकिन नहीं, बैकअप का फील्डर है, मिल जाएंगे यहां से, कुछ नहीं। अब 5 गेंदों में चाहिए 50 रन की जरूरत है। मैच हाथ से निकलता हुआ माय रोहिणी इस टीम के पास से। जीएसके गोर रक्षक सोमनाथ, पिछले सीजन की चैंपियन, यहां से कमेंट्री बॉक्स के सामने से निकलती हुई। अगला मैच उनका यहां पर बड़ा प्रहार किया है, लेकिन मिल जाएगा सिंगल। 4 गेंदों में 49 रन की जरूरत है। बिक्सा जीएसके के कैप्टन यहाँ पर आए थे, पानी की बॉटल उनकी गुम हो गई लगता है। अभी वार्म अप कर रहे थे, क्योंकि देखिए अच्छे टीम की ये सोच रहे थे कि मैच चालू होने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट बॉडी का मूवमेंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ठंडा मौसम है, पूरी बॉडी खुलनी चाहिए। और देखिए बिक्सा के लिए यहाँ पर बॉटल मिल गई है, बिक्सा आपके लिए बॉटल मिल चुकी है, क्या बात है, और भी मिल गई। हाँ देखिए, और सुपर 8 में लगभग इंटर हो चुके टीम स्वीट 11, और रतन जी ऑनर इस टीम के, और देखिए सुपर 8 में दाखिल हो चुके, और शायद मां रोहिणी यहाँ से लगभग बाहर जाती हुई। देखिए आज का मैच आपने देखा होगा, पहले 7-8 ओवर में मां रोहिणी स्वीट 11 100 पार कर पाएगी या नहीं, लेकिन उसके बाद में हेमंत सिंह और उसके साथ बैटिंग की,
और लास्ट के 3 ओवर में कम से कम 55-60 रन बना लिए और इसके बाद यहाँ से महारोहिणी इस टीम का यहाँ से बाहर जाना तय हो गया और स्वीट 11 ये टीम बन चुकी है सुपर 8 में दाखिल होने वाली टीम और इस टीम के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं नाम है यशवीर। कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आ जाए यशवीर और पूरी टीम भी यहाँ पर आ जाए। रतन जी यहाँ पर बुला रहे और अगला मैच जिस टीम का है